उसे अपने रूप जाल में इस तरह फंसाया कि जब तक वो होश में आया तब तक वो अपनी मौत के पास पहुंच चुका था। युग की आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लग जाते हैं और युग रोते हुए बोल पड़ता है, मतलब आपने विराट भैया को भी मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो किसी के बेटे तो किसी के पति थे। उनके जाने से वंदना भाभी हमेशा हमेशा के लिए विधवा बन गई। कामेश्वरी यक्षिणी युग को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैंने उस वक्त बस ये सोचा युग कि अगर मैं भक्षानर की बात नहीं मानूंगी तो अब तक जो भी भरोसा मैंने उसका जीता है वो सब टूट जाएगा। वो फिर दोबारा मुझे कैद कर देगा और फिर मैं उस भक्षानर का अंत नहीं कर पाऊंगी। वो मौका जो मैं ढूंढ रही थी उस भक्षानर को मारने का, वो मुझे नहीं मिल पाएगा, इसलिए मजबूरी में मुझे विराट को मारना पड़ा। विराट को मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। युग चुप ही रहता है क्योंकि वो ये बात अच्छे से समझ गया था कि कामेश्वरी यक्षिणी जो भी बोल रही थी कहीं ना कहीं सही बोल रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, उस रात विराट को मारने के बाद मैंने उसके शरीर का सारा खून पी लिया था और उसके दिल का भोग भी लगा दिया था। फिर उसकी लाश को ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही दफना दिया। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी ये बात बोलती है, युग को याद आता है कि जब वो अघोरी की अस्थियों को दफनाने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर गड्ढा खोद रहा था, उस वक्त वहां पर उसे विराट की लाश मिली थी। उस वक्त उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश वहां पर किसने और क्यों गाड़ी थी, पर अब कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात सुनकर उसके सब समझ में आने लग गया था। युग अगले ही पल बौखलाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, इसका मतलब आपने ही विराट भैया की लाश वहां पर दफनाई थी। कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, सिर्फ विराट की लाश ही नहीं युग, कैद से आजाद होने के बाद मैंने जितने भी शिकार किए थे उनका खून पीने और दिल की बलि चढ़ाने के बाद मैंने सारी लाशों को ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही दफनाया था, यहाँ तक कि प्रशांत की लाश तक को भी। इससे पहले मैं जब भी मर्दों का शिकार करती थी उनकी लाशों को घाट पर ही छोड़ देती थी ताकि मरने के बाद उन मर्दों के परिवार वाले उन शवों का अंतिम संस्कार कर दे ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके, पर उस भक्षानर के कहने पर मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो भक्षानर का अंश उन लाशों को मुझे घाट पर छोड़ने क्यों नहीं दे रहा था, क्यों उनको मुझसे ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर दफना रहा था। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, मुझे पता है माँ, वो भक्षानर का अंश ऐसा क्यों कर रहा था। यामिनी की ये बात सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसके इस सवाल का जवाब यामिनी के पास मौजूद होगा। कामेश्वरी यक्षिणी बौखलाहट के साथ यामिनी से पूछ पड़ती है, क्यों यामिनी बेटी, आखिर क्यों वो भक्षानर उन मर्दों की लाशों को मुझसे ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर दफनवाया करता था। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि माँ वो आगे चलकर अपनी एक सेना बनाने वाला था, मुर्दों की सेना, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उनकी आत्माओं को मुक्ति मिले। वो भक्षानर सच में बहुत आगे की सोचकर चलता था, इसलिए उसने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी थी ताकि वक्त आने पर वो सबका उपयोग कर सके। युग कामेश्वरी यक्षिणी को सारी बात बताते हुए कहता है, उस भक्षानर ने सारे मुर्दों को जिंदा करके अपनी सेना में शामिल कर लिया है, उनसे खुद हम लड़े थे। वो तो मैंने विराट भैया के शव का पहले अंतिम संस्कार कर दिया था, वरना मुझे उनके मुर्दे से भी लड़ना पड़ता। जब युग ये बात बोलता है तो कामेश्वरी यक्षिणी को याद आता है कि जब वो आजाद हुई थी तो उसने सबसे पहले प्रशांत को मारकर उसे मुक्ति दिलाई थी। अब उसे ये बात समझ में आने लग गई थी कि क्यों प्रशांत उस पर हमला कर रहा था, क्योंकि वो उस भक्षानर की सेना में शामिल था। प्रशांत को मारने वाली बात कामेश्वरी युग और यामिनी को नहीं बताती है, बस अपने मन में ही रखती है। कामेश्वरी यक्षिणी युग और यामिनी को फिर अपनी दास्तान सुनाते हुए कहती है, विराट को मारने के बाद मैं समझ गई थी कि मुझे जल्द ही इस भक्षानर के अंश का अंत करना होगा, वरना ये इसी तरह मेरा फायदा उठाते रहेगा और पता नहीं किस किस को मेरे हाथों से मरवाता रहेगा। इसलिए मैंने उस भक्षानर का अंत करने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए मैंने वही रास्ता चुना जिसका वो भक्षानर बहुत बड़ा हवशी था, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। यामिनी तुरंत पूछ पड़ती है, क्या थी उसकी कमजोरी माँ। कामेश्वरी लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, वासना का यामिनी बेटी, आखिर उसी के लिए तो उस भक्षानर ने मुझे उस कैद से आजाद किया था, क्योंकि जो संतुष्टि उसे मेरे बदन के साथ मिलती थी वो कहीं नहीं मिलती थी। मैं जब भी उसके साथ संभोग करती मैं ये बात नोटिस करती कि मुझे संतुष्ट करने के बाद वो भक्षानर का अंश कुछ कमजोर हो जाता था, इतना कमजोर कि काफी देर बिस्तर पर से उठ ही नहीं पाता था, वहीं पर बस पसरे रहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसी वक्त का फायदा उठाकर उसे मार दूंगी, इसलिए विराट की मौत के अगले दिन ही मैं अपनी चालाकी से उसे बिस्तर तक ले गई थी और उसे अपनी अदाओं में फंसाकर उसके साथ संभोग करने लगी थी। संभोग करने के बाद मैंने अपनी शक्तियों से अपने अंदर के डायन रूप को जगा दिया था ताकि मैं उस भक्षानर को आसानी से मार पाऊं।
मैं उस भक्षानर को मारने ही वाली थी कि तभी किसी के दौड़ने की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर भक्षानर वापस से होश में आ गया और वो तुरंत बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ, जिस कारण मैं उसे नहीं मार पाई। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है, वो दौड़ने की आहट किसकी थी कामेश्वरी जी? कामेश्वरी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वंदना की। युग युग अपनी दोनों भवे ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा आपने, वंदना भाभी? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, वंदना। वो वहां पर मुझसे बदला लेने आई थी। विराट की मौत का बदला पर गलती से चाकू उससे हॉल में ही छूट गया था। उसी को लेने के लिए वो वापस नीचे गई थी। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी ये बात बोलती है, युग को याद आता है कि वंदना उसे इस बारे में बता चुकी थी और उसे उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि चित्रा के जाने के बाद अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी के साथ रहने लग गया था, पर उसके भी सब समझ में आने लग गया था। अगले ही पल युग बोल पड़ता है, मतलब उसी रात आपने वंदना भाभी के साथ विवाह किया था? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, मुझे उसके साथ विवाह करना पड़ा क्योंकि मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, वरना उस भक्षानर के अंश ने तो मुझसे यही कहा था कि नीचे जाओ और मार दे वंदना को, क्योंकि उसने तुझे और मुझे देख लिया है। वो तो मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि वंदना ने बस मुझे देखा है, उसे नहीं। युग फिर पूछ पड़ता है, पर वो विवाह आपने अधूरा क्यों किया था? क्योंकि वंदना भाभी ने मुझे बताया था कि वो विवाह बताने के बाद भी उनकी मौत नहीं हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, क्योंकि जिस वक्त मैं विवाह कर रही थी उस वक्त ऊपर से कांच की गिलास नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी थी, जिसे सुनकर मैं समझ गई थी कि भक्षानर का एक इशारा है मुझे बुलाने का, और जब मैं ऊपर गई तब भी वो मुझसे यही कह रहा था कि मैं वंदना को मार क्यों नहीं रही हूँ, उसके साथ विवाह क्यों कर रही हूँ। तब मैंने उसे समझाया कि मैं औरतों को नहीं मार सकती, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। बहुत समझाने के बाद वो भक्षानर का अंश मेरी बात माना था, और जब तक मैं वापस गई तब तक वंदना वहां से जा चुकी थी। मैं भी उसके पीछे नहीं गई थी क्योंकि वंदना की आंखों में देखकर मैं जान गई थी कि वो मेरे और लेखक बाबू के बारे में किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि उसे वापस जाना था मुझे अपने हाथों से मारने के लिए। युग और यामिनी खामोशी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी की सारी बातें सुनते रहते हैं, उससे कुछ नहीं कहते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, उस रात जब मैं डायन बनकर भक्षानर के अंश को मारने वाली थी, उस रात मैं इतना तो समझ गई थी कि ये भक्षानर इतनी आसानी से मेरे हाथों नहीं मरने वाला था। मुझे और शक्तियों की जरूरत थी, इसलिए मैं फिर से इंतजार करने लग गई सही वक्त आने का। एक एक करके दिन गुजरते जा रहे थे और जैसे जैसे अमावस्या और पूर्णिमा गुजरते जा रही थी, मेरी शक्तियां वापस से बढ़ने लग गई थी। पर लेखक बाबू जिनसे बात करने का मैं इंतजार कर रही थी, वो लेखक बाबू ने कभी मुझसे बात की ही नहीं। तब तो मुझे भी यकीन होने लग गया था कि शायद उस रात जब भक्षानर मुझे आजाद कराने आया था, उसने सच में उसी रात लेखक बाबू की आत्मा को भी मुक्ति दिला दी थी, क्योंकि लेखक बाबू ने इशारों से प्रशांत को संकेत दिया था कि मैं रूम नंबर 666 के अदृश्य कमरे में कैद हूँ। यही बात भक्षानर को पसंद नहीं आई थी और उसने लेखक बाबू की आत्मा को वहां भेज दिया था, जहां से मैं उनके पास कभी नहीं पहुंच सकती थी। युग अभी भी चुप ही रहता है, कुछ नहीं कहता है। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये सोचकर कि मैंने लेखक बाबू को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, मैंने एक बार फिर उस भक्षानर के अंश को मारने का मन बना लिया था। भक्षानर को मारने के लिए मैंने अमावस्या की रात को ही चुना था, क्योंकि वही रात होती थी जब मेरी डायन की शक्तियां सबसे ज्यादा हुआ करती थी, और उस अमावस्या की रात से पहले दिन में ही मेरे हाथ वो चीज लग गई थी जिसने मेरी डायन की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया था। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को बीच में टोकते हुए कहती है, क्या लग गया था आपके हाथ मां? जैसे ही यामिनी ये सवाल पूछती है, कामेश्वरी यक्षिणी एकदम शांत हो जाती है, जैसे वो आज भी उस हादसे को भुला नहीं पा रही हो, वो हादसा आज भी उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा हो। कामेश्वरी यक्षिणी को अमावस्या की अंधेरी से भरी वो रात याद आने लग जाती है, और देखते ही देखते वो अतीत की यादों में चली जाती है। इस वक्त अनुराग रूम नंबर 666 के अंदर अपने टाइपराइटर पर कहानी टाइप कर रहा था। उसके सामने ही टेबल थी जिस पर एशट्रे रखी हुई थी, जो पूरी तरह सिगरेट के ऐश से भरी हुई थी। उसी एशट्रे के बगल में करीब 500 पेजेस की लाल डायरी रखी हुई थी, जिसके कवर के ऊपर एक काला पेन बना हुआ था, ठीक वैसा ही काला पेन जो अनुराग को बचपन में ही उसके पिता ने दिया था। उस कवर के ऊपर ही काले पेन की निब जहां पर थी, वहां पर चमेली का फूल बना हुआ था। कवर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चमेली का फूल उस पेन से बनाया गया हो। टेबल के ऊपर ही कुछ किताबें, पेन और चश्मे का डिब्बा रखा हुआ था। टाइपराइटर की आवाज से कमरा गूंजने लग गया था। अनुराग पूरे ध्यान के साथ टाइपराइटर पर कहानी टाइप कर रहा था। उसे देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि उसे कहानी लिखने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने बड़ा सा गोल चश्मा लगाया हुआ था और उसकी दाढ़ी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। बाल भी गर्दन तक आने लग गए थे।
उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके अंदर भक्षानर का अंश समाया हुआ है। वो नॉर्मल लग रहा था। अनुराग खुशी के साथ खुद से कहता है, चलो ये भाग तो पूरा हुआ, अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करें, मौतें होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। अनुराग ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वो खुद से भक्षानर की आवाज में बोल पड़ता है, आखिरकार तूने मेरी कहानी का पहला भाग पूरा कर ही दिया, शाबाश लेखक बाबू, नाम होगा यक्षिणी का पर कहानी होगी मेरी, खलनायक की। अनुराग चुप ही रहता है। अनुराग भक्षानर की आवाज में फिर बोल पड़ता है, मैं बताऊं लेखक बाबू यक्षिणी के कहानी के दूसरे भाग में क्या होगा। अनुराग अभी भी चुप ही रहता है, पर उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अगले पल अनुराग सिगरेट उठाता है, उसे जलाता है और उसका कश खींचते हुए भक्षानर की आवाज में बोल पड़ता है, यक्षिणी की कहानी के दूसरे भाग में पता चलेगा कि यक्षिणी ये सब अपने अभिशाप के कारण नहीं कर रही थी, बल्कि भक्षानर के कहने पर कर रही थी। अब वो भक्षानर की गुलाम बनकर रह गई थी, जो वो बोलता था उसे करना पड़ता था। भक्षानर की हंसी कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। अनुराग सिगरेट का एक और कश खींचते हुए फिर भक्षानर की आवाज में बोल पड़ता है, यक्षिणी की कहानी के दूसरे भाग में पता चलेगा कि कैसे यक्षिणी भक्षानर को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई थी, कैसे भक्षानर के सिर्फ एक अंश ने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसी भाग में पता चलेगा कि कैसे भक्षानर ने पहले पृथ्वी लोक पर राज करना शुरू किया और फिर उसके बाद समस्त ब्रह्मांड, और अंत में उसने अपने मकसद को पा लिया, वो कामयाब हो गया। अनुराग अपनी आवाज में भक्षानर से कहता है, तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा भक्षानर, यक्षिणी कभी तुझे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। अनुराग की आंखें फिर पीली होती हैं और वो हंसते हुए भक्षानर की आवाज में बोल पड़ता है, मैं तो अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब हो ही रहा हूँ लेखक बाबू, क्या तुझे दिख नहीं रहा कैसे मैं यक्षिणी को अपने इशारों पर नचा रहा हूँ। मैं जब उसे किसी को मारने को बोलता हूँ वो बिना सोचे समझे उसे मार देती है। इतना ही नहीं, मैं जब उसे अपने साथ सोने को बोलता हूँ वो मेरे साथ सो भी जाती है और मेरे अंदर की सारी गर्मी मिटा देती है। इतना कहकर अनुराग वासना से भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लग जाता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा भी नजर आता है जब उसकी आंखें पीले रंग से नॉर्मल हो जाती हैं। अनुराग भक्षानर की आवाज में फिर बोल पड़ता है, मैं तो धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब हो ही जाऊंगा लेखक बाबू, पर तू तो कामयाब होने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, तेरा मकसद तो धरा का धरा रह गया। अनुराग हैरानी के साथ पूछता है, मेरा कौन सा मकसद भक्षानर? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग हैरानी के साथ पूछता है, मेरा कौन सा मकसद? भक्षानर हंसते हुए कहता है, ये क्या, मेरी कहानी लिखते लिखते तू अपना मकसद ही भूल गया। कोई बात नहीं, मैं अभी तुझे तेरा मकसद याद दिलवाता हूँ, यक्षिणी के प्यारे लेखक बाबू। इतना कहकर अनुराग वो लाल डायरी जो एश्ट्रे के पास टेबल के ऊपर ही रखी हुई थी उसे उठाते हुए भक्षानर की आवाज में फिर बोल पड़ता है, यही है ना तेरा मकसद। जैसे अनुराग की नजर उस लाल डायरी पर पड़ती है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं, वो कुछ घबराने लग जाता है। अनुराग डरते हुए कहता है, नीचे रख मेरी डायरी को भक्षानर, नीचे रख। अनुराग अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को पकड़ता है और उससे लाल डायरी को नीचे रखने की कोशिश करने लग जाता है पर रख नहीं पाता है। भक्षानर हंसते हुए कहता है, ये तू क्या कह रहा है लेखक बाबू, तू शायद भूल रहा है, तेरे शरीर पर अब तेरा नहीं मेरा हक है, तेरा पूरा शरीर मेरे वश में है, उसे अब तू अपनी स्वेच्छा से नहीं चलाता बल्कि मैं अपनी इच्छा से चलाता हूँ। भक्षानर की ये बात सुनते ही अनुराग अपना दूसरा हाथ नीचे कर लेता है, वो पहले हाथ से लाल डायरी को नीचे रखने की कोशिश नहीं करता है। अनुराग उस लाल डायरी को देखते हुए ही भक्षानर की आवाज में कहता है,
इसी के अंदर यक्षिणी की वो कहानी लिखी हुई है ना, जिसे तू पब्लिश करवाना चाहता था। यक्षिणी की वो कहानी जो आज तक अधूरी है, जिसे पूरा करने के लिए तू पंचम गांव गया था, पर वहां पर मैं तेरे शरीर के अंदर घुस गया और फिर तू इसे कभी पूरा नहीं कर पाया। ये कहानी कभी पूरी होगी भी नहीं लेखक बाबू। यक्षिणी की वो कहानी जिसमें तूने उसे देवी बनाया, वो कभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। लोग हमेशा उसे डायन ही मानते रहेंगे। अनुराग अपनी आवाज में कहता है, तू कितनी भी कोशिश कर ले भक्षानर, पर एक न एक दिन यक्षिणी का सच सबके सामने आ ही जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि यक्षिणी डायन नहीं एक देवी थी। भक्षानर हंसते हुए कहता है, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस दुनिया पर तो मेरा राज होने वाला है, एक नया इतिहास बनने वाला है जिसके बारे में कोई और नहीं बल्कि तू लिखेगा। तभी तो अभी तक तुझे मैंने जिंदा रखा है। अनुराग चुप ही रहता है। भक्षानर उस लाल डायरी को देखते हुए फिर बोल पड़ता है, मन तो कर रहा है कि इस डायरी को अभी जला दूं, पर क्या करूं? तेरी लिखने की कला मुझे पसंद आ गई है और मैं चाहकर भी इसे जला नहीं पा रहा हूं। पर तू चिंता मत कर, ये डायरी वक्त के साथ अपने आप नष्ट हो जाएगी। जानता है कैसे? अनुराग चुप ही रहता है। अगले ही पल अनुराग उठता है और उस लाल डायरी को कमरे के अंदर जो किताबों की रेख जमी हुई थी उसके अंदर किताबों के बीच रखते हुए कहता है, ऐसे कुछ वक्त के बाद ही इन किताबों में दीमक लगने लग जाएगी और वक्त के साथ दीमके तेरी इस डायरी के पन्नों को खाने के साथ यक्षिणी की कहानी को भी खा जाएगी। यक्षिणी की वो अधूरी कहानी जो तूने लिखी थी वो यहीं पर दफन होकर रह जाएगी। भक्षानर फिर एक बार कसकस कर हंसने लग जाता है। अनुराग फिर भक्षानर की आवाज में बोल पड़ता है, ये काम तो हो गया, अब बाकी का काम कर लेते हैं। उस जगदीश को बता दे कि तूने यक्षिणी की कहानी का पहला भाग पूरा कर लिया है, ताकि यक्षिणी की कहानी का दूसरा भाग भी जल्दी पब्लिश हो सके, जिसके अंदर मेरा नाम उजागर होगा। सबको पता चलेगा कि यक्षिणी मेरे यानी भक्षानर के इशारों पर नाचती थी। अनुराग जानता था कि उसके पास भक्षानर की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो वापस से टेबल के पास जाता है और उसके पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है। अनुराग की नजर टेबल पर रखी हुई सिगरेट पर पड़ती है, जिसको देखकर भक्षानर का जी मचलने लग जाता है। वो अगले ही पल अनुराग से सिगरेट जलवा लेता है और पीने लगता है। अनुराग एक हाथ से सिगरेट पी रहा था तो दूसरे हाथ से अपने पब्लिशर जगदीश का नंबर डायल कर रहा था। बेल जाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। फोन के अंदर से उबासी लेते हुए जगदीश की आवाज सुनाई देती है, हेलो कौन? अनुराग चुप ही रहता है, कुछ नहीं कहता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसका जगदीश से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो चाहता ही नहीं था कि जगदीश उसकी कहानी को पब्लिश करे जिसमें यक्षिणी को डायन की तरह दिखाया गया हो। भक्षानर ये बात समझ जाता है और वो अनुराग से मन ही मन बातें करने लग जाता है। भक्षानर गुस्से के साथ अनुराग से बोल पड़ता है, क्या कर रहा है अनुराग? जल्दी से बात कर जगदीश से, वरना तू जानता है मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। भूल मत, वो यक्षिणी मेरे ही इशारों पर नाच रही है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उससे कहूंगा कि वो युग को मार दे। अनुराग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुझे क्या लगता है कि तू मेरी यक्षिणी से कहेगा मेरे बेटे युग को मार दे और वो मार देगी? भक्षानर पलट कर कहता है, जब वो तेरे भतीजे विराट को मार सकती है तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तेरे बेटे युग को नहीं मारेगी? आखिर है तो वो एक डायन ही ना, मेरे इशारों पर नाचने वाली। भक्षानर की बात सुनकर अनुराग की नसों में सनसनी फैल जाती है। भक्षानर अनुराग पर दबाव बनाते हुए कहता है, इसलिए कहता हूँ जल्दी बात कर जगदीश से। फोन के अंदर से फिर जगदीश की आवाज सुनाई देती है, हेलो कौन? अनुराग हड़बड़ाहट के साथ अगले ही पल बोल पड़ता है, हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा आपने, कहानी तैयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, इतनी रात में कॉल करने की क्या जरूरत थी? अनुराग ना चाहते हुए भी कश खींचते हुए कहता है, क्या कहा इतनी रात में, आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है बस? अनुराग भक्षानर की आवाज में मन में सोचने लगता है, अब इसे वक्त भी मैं ही बताऊं। इतना कहकर अनुराग की नजर उसके हाथ की पुरानी सी वॉच पर पड़ती है और वो देखता है कि रात के 3:05 हो रहे थे। अनुराग कहता है, अरे 3 बज गए, इतनी रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा अभी 9:10 होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी है उसका नाम क्या बताया था आपने?
अरे तुम भूल गए, इस कहानी का नाम है यक्षिणी एक डायन, जो दो भागों में आएगी। उसका पहला भाग लिख दिया है मैंने। जगदीश और अनुराग के बीच में यक्षिणी को लेकर कई सारी बातें होने लग जाती हैं। अनुराग जगदीश के सामने यक्षिणी के सौंदर्य की इतनी तारीफ करता है कि एक पल के लिए जगदीश का मन भी यक्षिणी से मिलने के लिए करने लग जाता है। अनुराग जगदीश को यक्षिणी के बारे में इतना सब कुछ बता देता है कि जगदीश को ऐसा लगने लग जाता है जैसे अनुराग खुद यक्षिणी से मिला हो। जगदीश को अनुराग के ऊपर शक होने लग जाता है। जगदीश के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अनुराग से वो सवाल पूछ ले, पर वो घबरा रहा था। जगदीश से रहा नहीं जाता और वो हिचकिचाहट के साथ अनुराग से पूछ पड़ता है, अब सर एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है पूछो। सर आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? जैसे ही अनुराग जगदीश के मुंह से ये सवाल सुनता है वो अंदर ही अंदर सिहर उठता है। भक्षानर अनुराग के मन में कहता है, तू चुप क्यों हो गया अनुराग, बोलना जगदीश से कि तूने यक्षिणी को सिर्फ देखा नहीं है बल्कि तू उसके साथ रहा है। तू जानता नहीं है आजकल के पब्लिशर्स को जो कहानी सत्य घटना पर आधारित होती है उसे ये पब्लिशर जल्दी पब्लिश करते हैं। सिर्फ पब्लिश नहीं करते बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी बहुत करते हैं। जगदीश फिर अनुराग से पूछ पड़ता है, क्या हुआ सर आप चुप क्यों हो गए, बताइए ना क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है, क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? भक्षानर अंदर ही अंदर अनुराग पर दबाव बनाने लग जाता है और अनुराग अगले ही पल सिगरेट का कश खींचते हुए धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। अनुराग ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट हो जाता है। अनुराग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फोन कैसे कट गया, हेलो हेलो। जब जगदीश का कुछ जवाब नहीं आता तो अनुराग फोन रख देता है। भक्षानर अनुराग के मन में कहता है, ये फोन को भी अभी कट होना था क्या, चल छोड़, उठ और अब यक्षिणी के पास चल, वो दूसरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे कहा था कि आज पहले संभोग होगा और फिर घाट पर शिकार होगा। अनुराग मायूस चेहरे के साथ ही कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। अनुराग ने बैसाखी के सहारे अभी एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। अनुराग कमरे के अंदर लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया अचानक से? देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है। कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अनुराग भक्षानर की आवाज में मन में सोचने लग जाता है, ये क्या हो रहा है, आज से पहले तो ऐसा ग्रेवयार्ड कोठी में कभी नहीं हुआ। मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब किसकी करतूत है, कौन कर रहा है ये सब। अनुराग अपने पास देखते हुए भक्षानर की आवाज में मन में कहता है, ये सब वो यक्षिणी कर रही है, लगता है आज इसका मेरे साथ शरारत करने का मन है, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं है। ये नहीं जानती कि मैं इसकी इन हरकतों से नहीं डरने वाला, पर हाँ उसका ये लेखक बाबू जरूर डर जाएगा। भक्षानर अनुराग से कहता है, लेखक बाबू आज तूने मेरी कहानी का पहला भाग पूरा कर दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि आज मैं तुझे तेरी यक्षिणी से बात करने दूंगा। अनुराग खुशी के साथ भक्षानर से कहता है, क्या तू सच कह रहा है, तू मुझे मेरी यक्षिणी से बात करने देगा? भक्षानर अनुराग के मन में कहता है, हाँ लेखक बाबू मैं भक्षानर हूँ और एक बार जो मैंने तय कर दिया उसे निभा कर रखता हूँ, आज यक्षिणी से तू ही बात करेगा, मैं तेरी यक्षिणी के बीच नहीं आने वाला। ये बात सुनकर अनुराग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे पहले कभी भक्षानर ने उसको यक्षिणी से बात करने की इजाजत नहीं दी थी, उसकी आत्मा को बांध कर रखा हुआ था ताकि वो यक्षिणी से बात न कर पाए। भक्षानर फिर अनुराग से बोल पड़ता है, जा कर ले यक्षिणी से बात, पर बस आज की रात, बाकी की रात वो मेरी है, तेरे शरीर की तरह उस पर भी मेरा हक है। अनुराग खुशी के साथ अपने आसपास देखते हुए अपनी आवाज में कहता है, यक्षिणी तुम यही हो ना? यक्षिणी का कुछ जवाब नहीं आता है। अनुराग नम लहजे में कहता है, मुझे पता है यक्षिणी तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, मुझे आवाज दो मुझे यक्षिणी, ये मैं हूँ तुम्हारा लेखक बाबू। अनुराग यक्षिणी को कमरे के अंदर पुकारने लग जाता है पर यक्षिणी का कुछ जवाब नहीं आता है। अनुराग यक्षिणी को पुकार ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा जो बंद हुआ था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। अनुराग दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम आ गई यक्षिणी, तुम आ गई। अनुराग के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। अनुराग दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ यक्षिणी, मैं आ रहा हूँ। अनुराग जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है तभी पीछे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आ मेरा पैर!
अनुराग धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अनुराग जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। अनुराग जमीन पर गिरे गिरे ही अपने आसपास देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो यक्षिणी? ये मैं हूँ, तुम्हारा लेखक बाबू। यक्षिणी का कुछ जवाब नहीं आता है। वो समझ गया था कि यक्षिणी उसे भक्षानर समझ रही थी, इसलिए ये सब कर रही थी। अनुराग फिर एक बार चीख पड़ता है, मैं भक्षानर नहीं, तुम्हारा लेखक बाबू हूँ यक्षिणी। अनुराग वापस से खड़े होने की कोशिश करता है, पर खड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए वो रेंगते हुए दरवाजे के पास जाने लग जाता है। उसे उम्मीद थी कि वहां पर उसे यक्षिणी दिख जाएगी। अनुराग दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अनुराग पीछे देखता है, पर इस बार भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम यही हो, मुझसे बात करो यक्षिणी। अनुराग ने इतना कहा ही था कि तभी कमरे के अंदर फिर से हलचल शुरू हो जाती है। कमरे के अंदर एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखने लग जाती है, और उस सफेद रोशनी में ही अनुराग को यक्षिणी दिखाई देने लग जाती है। पर यक्षिणी अपने सौंदर्य रूप में नहीं, बल्कि डायन के रूप में थी। यक्षिणी की आंखें लाल थी, गुस्से से भरी हुई, नाखून नुकीले और काले थे, बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे, उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। एक पल के लिए तो अनुराग भी यक्षिणी को देख कर डर गया था। अनुराग फिर भी बड़े प्यार से नम आंखों के साथ कहता है, तुम आ गई यक्षिणी, मेरी यक्षिणी। यक्षिणी गुस्से के साथ ही कहती है, मुझे तो आना ही था, मैं तेरी मौत जो हूँ, मैं नहीं आती तो तेरा अंत कैसे होता भक्षानर। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं यक्षिणी, मैंने कहा ना, मैं भक्षानर नहीं हूँ, मैं लेखक बाबू हूँ, तुम्हारा लेखक बाबू। इतना कहकर अनुराग यक्षिणी की आंखों में एकटक देखने लग जाता है। यक्षिणी भी एकटक अनुराग की आंखों में देखने लग जाती है, और अगले ही पल उसे कुछ एहसास होता है। यक्षिणी का गुस्सा शांत होने लग जाता है। यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, मेरे लेखक बाबू। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कामेश्वरी यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, मेरे लेखक बाबू। अनुराग भावुक होते हुए बोल पड़ता है, यक्षिणी, मेरी यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी आहिस्ते आहिस्ते अपना कदम बढ़ाते हुए अनुराग के पास जाती है, और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ती है, लेखक बाबू बनने का नाटक तू किसी और के सामने करना भक्षानर, अब मैं तेरे इस झांसे में नहीं फंसने वाली हूँ, आज मैं तेरा अंत कर दूंगी, तेरी मौत तुझे बुला रही है, और मैं तुझे तेरी मौत के पास भेजने के लिए ही आई हूँ। इतना कहकर अगले पल कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग का गला दबाने लग जाती है। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी के शिकंजे से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो यक्षिणी, मेरा गला छोड़ो। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग की एक नहीं सुनती है, उसका गला दबाते रहती है। अनुराग को कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में प्यार नहीं बल्कि बदला नजर आ रहा था। वो जान ही नहीं पा रही थी कि इस वक्त उससे भक्षानर नहीं अनुराग बात कर रहा था। यक्षिणी के अंदर बदले की आग ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी, जिस कारण वो सच देख ही नहीं पा रही थी। अनुराग फिर हिम्मत के साथ बोल पड़ता है, अपने बदले की आग को कम करो यक्षिणी, और मुझे पहचानने की कोशिश करो, ये मैं हूँ, तुम्हारा प्यार, वो प्यार जिसके लिए तुमने अपने लोक तक जाना स्वीकार नहीं किया, मेरे साथ यहीं पर एक नई दुनिया बसाई, हमारे प्यार की दुनिया, हमारी कहानी की दुनिया, क्या तुम भूल गई किस तरह तुम मुझे रोज सुबह उठने से पहले एक पत्नी की तरह चाय बनाकर पिलाती थी, क्या तुम भूल गई कि किस तरह तुम रोज मुझे अपनी दास्तां के किस्से सुनाती थी, क्या तुम भूल गई किस तरह तुमने मेरी जिंदगी के सारे दुखों को अपना बना लिया था, किस तरह तुमने मेरे बदहाल जिंदगी को खुशहाल बना दिया था। तुम्हारे आने के बाद ही तो मैंने कहानियों को लिखना नहीं बल्कि उन्हें जीना सीखा था, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि तुम थी यक्षिणी। जब अनुराग ये बात बोलता है तो कामेश्वरी एक पल के लिए चुप हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो अपने हाथों की पकड़ को ढीली करने लग जाती है, जैसे अनुराग की बातें सीधे उसके दिल को छू गई हो। अनुराग की बातों ने कामेश्वरी यक्षिणी के अंदर बदले की आग को कुछ कम कर दिया था, उसका गुस्सा ठंडा होने लग गया था।
अनुराग नम लहजे के साथ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं भक्षानर नहीं हूँ यक्षिणी, मैं तुम्हारा लेखक बाबू हूँ। यक्षिणी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, तुझे जितना नाटक करना है कर ले भक्षानर, पर मैं आज नहीं रुकने वाली, आज मैं तुझे मार कर ही दम भरूंगी। अनुराग कांपते हुए फिर बोल पड़ता है, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ यक्षिणी, मैं सच में तुम्हारा लेखक बाबू हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, अगर तू सच में मेरा लेखक बाबू है तो बता बता मुझे, इतने दिनों से कहां पर गायब था तू? मैंने कितनी बार पुकारा तुझे, पर तू कभी मेरे सामने क्यों नहीं आया? तूने मुझसे बात क्यों नहीं की? अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को सब कुछ बताते हुए कहता है, मेरी आत्मा को उस भक्षानर के अंश ने मेरे ही शरीर के अंदर बांध कर रखा हुआ था यक्षिणी, तभी मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा था, वरना तुम ही बताओ कि मैं तुमसे बात किए बगैर कैसे रह सकता हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है कि आज अमावस्या है और मेरी शक्तियाँ तुझसे ज्यादा है, इसलिए तू मुझे फिर से अपनी बातों में फंसा रहा है, पर मैं तेरी बातों में नहीं फंसने वाली, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है उस दिन जब तूने मुझसे प्रशांत का शिकार करवाया था, उस दिन तूने खुद कहा था कि तूने लेखक बाबू को मार दिया क्योंकि मेरे लेखक बाबू ने तुझे धोखा दिया था। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को सारा सच बताते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, उस रात भी भक्षानर ने तुमसे झूठ बोला था, उसने मुझे कभी मारा ही नहीं क्योंकि वो अपना खुद का इतिहास बनाना चाहता था, लोग उसकी वीर गाथाएं गाएं इसलिए मेरे हाथों अपनी कहानी लिखवाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे जिंदा रखा, उस रात भी मुझे नहीं मारा। कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही रहती है। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए उसके सामने तथ्य रखते हुए कहता है, तुमने कभी भी ये बात नोटिस नहीं की? जब भी भक्षानर इस कमरे में आता था कहानी लिखने के लिए, वो दरवाजा लगा दिया करता था, क्योंकि जिस वक्त मैं टाइपराइटर पर कहानी लिखता था उस वक्त वो मेरी आत्मा को जगा दिया करता था, मैं ही उसकी कहानी लिखा करता था, कहानी लिखते वक्त मैं हुआ करता था, तुम्हारा लेखक बाबू। जैसे अनुराग ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी को खुद ये रियलाइज होने लग जाता है कि अनुराग सच बोल रहा था, कहानी लिखते वक्त भक्षानर कभी भी उसे अपने पास भटकने नहीं देता था, हमेशा दूर ही रखता था। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए फिर बोल पड़ता है, मैं ही हूँ तुम्हारा लेखक बाबू। यक्षिणी क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो? अपने प्रेमी को जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। जब कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे अनुराग से अपनेपन का एहसास होने लग जाता है, उसे अनुराग की आंखों में अपने लिए वही प्यार नजर आने लग जाता है जब तब आया था जब वो पहली बार अनुराग से बंगला मुड़ा घाट पर मिली थी और उसे मारने वाली थी। अनुराग के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर ही उसने उसे नहीं मारा था, और आज फिर एक बार उसी प्यार ने कामेश्वरी यक्षिणी का मन धीरे धीरे बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। प्यार सारी नफरतों को मार देता है, और अनुराग का वही प्यार कामेश्वरी यक्षिणी के दिल की नफरत को भी खत्म करने लग गया था। उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लग गया था कि इस वक्त जिससे वो बात कर रही थी वो अनुराग ही था। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत अनुराग से पूछ पड़ती है, अगर उस भक्षानर ने आपकी आत्मा को बांध कर रखा हुआ था तो फिर आप आज मुझसे इस तरह कैसे बात कर रहे हैं? अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि आज मैंने उसकी कहानी का पहला भाग पूरा कर दिया है यक्षिणी, जो वो इतने महीने से मुझसे लिखवा रहा था, इसी वजह से वो मुझसे इतना खुश है कि उसने तोहफे के तौर पर मेरी आत्मा को कुछ देर के लिए आजाद कर दिया है ताकि मैं तुमसे बात कर पाऊँ और फिर उसकी कहानी पूरे जोश के साथ लिख सकूं। इसी के साथ अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को वो सारी बातें बता देता है जो कामेश्वरी यक्षिणी के आने से पहले उसके और भक्षानर के अंश के बीच हुई थी। सारी बात सुनने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसका पूरा गुस्सा गायब हो जाता है और वो अपने रूप में आ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी भावुक होते हुए कहती है, मेरे लेखक बापू। अनुराग भी भावुक होते हुए कहता है, मेरी यक्षिणी। इसी के साथ अनुराग और कामेश्वरी यक्षिणी एक दूसरे की बाहों में मदहोश हो जाते हैं। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को गले लगाती है, उसकी आंखों से अशकों की धारा बहने लग जाती है। सिर्फ कामेश्वरी यक्षिणी के ही नहीं बल्कि अनुराग की आंखों से भी अशकों की धारा बहने लग गई थी। दोनों ही एक दूसरे के आलिंगन में डूब गए थे। अनुराग रोते हुए कहता है, सारी गलती मेरी है यक्षिणी, मुझे पंचम गांव जाना ही नहीं चाहिए था, ना मैं वहां पर जाता ना ही ये सब होता, मुझे माफ कर दो। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग से कहती है, नहीं लेखक बाबू, सारी गलती मेरी है, अगर मैंने आपको भक्षानर के बारे में पहले ही बता दिया होता तो आप वहां पर जाते ही नहीं, ना आप उस हीरे को हाथ लगाते, ना आपके शरीर के अंदर वो भक्षानर का अंश घुसता, सारी गलती मेरी है। अनुराग कहता है, नहीं यक्षिणी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है,
तुम तो पहले ही मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं ही था जो खाई में कूद गया। एक ऐसी खाई में जहाँ से बाहर निकलना अब नामुमकिन है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि उसी वक्त अनुराग अपनी उंगली कामेश्वरी यक्षिणी के होठों पर रख देता है, जिस कारण वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, गलती न तुम्हारी है न मेरी है यक्षिणी, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, हम भी नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही रहती है। कुछ देर तक कामेश्वरी यक्षिणी और अनुराग चुप ही रहते हैं, जैसे वो उस खामोशी में अपने प्रेम को महसूस कर रहे हो। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को देखते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए लेखक बाबू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनुराग पूछता है, कैसी गलती यक्षिणी? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ हिचकिचाहट के साथ कहती है, वो पिछली अमावस्या को मैंने आपके भतीजे विराट को अपना शिकार बना लिया था। मैं उसे अपना शिकार नहीं बनाना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी मुझे उसे अपना शिकार बनाना पड़ा। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है यक्षिणी, मैं जानता हूँ तुमने वो सब क्यों किया और किसके कहने पर किया। मैं तुम्हारी मजबूरियाँ समझता हूँ यक्षिणी, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी शायद वही करता जो तुमने किया। जब कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के मुँह से ये बात सुनती है तो अनुराग के दिल में अपने लिए इतना प्रेम देखकर उसका मन भर आता है। वो जान गई थी कि जिस शख्स से उसने प्रेम किया था उस शख्स के दिल में उसके लिए बेइंतहा प्यार भरा हुआ था। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, वो भक्षानर मुझे सारी बातें बताया करता था, आखिर वही सब तो मुझसे वो अपनी कहानी में लिखवाया करता था कि किस तरह वो तुम्हें कठपुतली की तरह नचवा रहा है, तुमसे वो सब करवा रहा है जो वो करवाना चाहता है। कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही रहती है। अगले पल अनुराग गुस्से के साथ कहता है, पर अब और नहीं यक्षिणी। जब कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग की गुस्से से भरी आवाज सुनती है तो वो जान जाती है कि अनुराग के मन में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा था। अनुराग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम अब उस भक्षानर के इशारों पर और नहीं ना चुकी, अपने अभिशाप के कारण पहले ही तुम बहुत कुछ सह चुकी हो, पर अब और नहीं। अनुराग एक लंबी आह भरते हुए कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझे मार दो यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी घबराते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं लेखक बाबू? अनुराग यक्षिणी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, उस भक्षानर के अंत का यही रास्ता बचा है यक्षिणी, तुम्हें मुझे मारना ही होगा। कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, मैं आपको नहीं मार सकती। अनुराग यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए कहता है, तुम्हें मुझे मारना ही होगा यक्षिणी, तभी उस भक्षानर का अंत हो पाएगा। कामेश्वरी यक्षिणी पूछती है, आप ये कैसे कह सकते हैं लेखक बाबू कि आपके मरने से उस भक्षानर का अंत हो जाएगा? अनुराग आक्रोश के साथ कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे मरने से उस भक्षानर का अंत हो पाएगा या नहीं, पर इतना तो पता है कि वो भक्षानर मेरे शरीर में पनाह लिए हुए है, मेरे शरीर के अंदर ही बसा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मेरा शरीर नहीं रहेगा तो उसके पास भी कोई शरीर नहीं रहेगा और उसका अंत हो जाएगा यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी मायूसी के साथ कहती है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ लेखक बाबू तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी ना? अनुराग नम लहजे के साथ कहता है, तुमने तो मुझे उसी दिन खो दिया था यक्षिणी, जब उस भक्षानर के अंश ने मेरे शरीर में प्रवेश किया था, अब तो बस तुम्हें मुझे मुक्ति दिलानी है मुझे मारकर। कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, मैं आपको नहीं मार सकती, आप मेरे लिए जिंदा है। अनुराग यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए कहता है, इससे पहले भी तो तुम मुझे मारने के लिए आई थी ना यक्षिणी, जब तक मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हारा लेखक बाबू हूँ। यक्षिणी तुरंत पलट कर कहती है, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि आप अब तक जिंदा हैं लेखक बाबू। अनुराग यक्षिणी को उसी की बातों में फंसाते हुए कहता है, तो यही समझ कर मार दो यक्षिणी कि मैं एक भक्षानर हूँ, तुम्हारा लेखक बाबू बहुत पहले ही मर चुका है। अनुराग ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी आंखों का रंग बदलने लग जाता है, वो पीले रंग में चमकने लग जाती है। अनुराग भक्षानर की आवाज में गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, मैंने तुझे तोहफा दिया था और उस तोहफे से तू मेरा ही अंत करवाना चाहता है, मुझे तुझे इस यक्षिणी से बात करने ही नहीं देना चाहिए था, तेरी आत्मा को बांध कर रखना चाहिए था। अनुराग अपनी आवाज में हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, जल्दी करो यक्षिणी, मार दो मुझे, वरना ये भक्षानर मेरी आत्मा को फिर से बांध देगा। कामेश्वरी यक्षिणी रोते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, मैं आपको नहीं मार सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती। अनुराग अपनी आवाज में कहता है, हम कभी दूर नहीं होंगे यक्षिणी, मैं तो मरकर भी तुम्हारे पास ही रहूंगा,
हमारा मिलन इस दुनिया में नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरी दुनिया में जरूर होगा। उस दुनिया में मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। भक्षानर बोल पड़ता है, अपना मुंह बंद रख लेखक। अनुराग फिर बोल पड़ता है, मार दो मुझे यक्षिणी, जल्दी करो। कामेश्वरी यक्षिणी नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं मार सकती। भक्षानर हंसते हुए कहता है, ये मुझे नहीं मारने वाली लेखक बाबू, क्योंकि अब इसे भी मेरे इशारों पर नाचने में मजा आने लग गया है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, मारो मुझे यक्षिणी। भक्षानर हंसते रहता है, यक्षिणी के समझ नहीं आता वो क्या करे, वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अनुराग को मारने के बाद अनुराग का तो अंत हो जाएगा, पर ये नहीं जानती थी कि उस भक्षानर का अंत हो पाएगा या नहीं। एक तरफ अनुराग उसे मारने की बार बार जिद कर रहा था तो दूसरी तरफ भक्षानर हंसते जा रहा था। अनुराग फिर यक्षिणी से बोल पड़ता है, मुझे मारकर बहुत पहले ही तुम्हें अपने अभिशाप से मुक्ति पा लेनी चाहिए थी यक्षिणी, अब मुक्ति का वक्त आ गया है, मार दो मुझे। अनुराग यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया है तो मुझे मार दो यक्षिणी, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। अनुराग की ये बात बार बार यक्षिणी के कानों में गूंजने लग जाती है, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। ये बात सुनते ही यक्षिणी को पता नहीं क्या हो जाता है, उसके हाथ अपने आप ऊपर उठते हैं और वो अपने नुकीले पैने नाखून सीधे अनुराग के सीने के अंदर घुसेड़ देती है। अनुराग की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, आ! भक्षानर भी डरी आवाज के साथ चीख पड़ता है, आ! आ! सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।